नमस्कार, मैं आशीष और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज। एसटी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं हरदोई जिले ब्लॉक हरपालपुर। जी शुक्ला जी, क्या हुआ था? कुछ नहीं, वाद विवाद हमारे लोगों के बीच हुआ था, जो है वाद विवाद हमारा। किस किस व्यक्तियों के बीच? अब व्यक्तियों के, हमारे गाँव के लोग हैं, ठाकुर जो हैं, ठाकुर लोग थे, उनके बीच विवाद हुआ था मेरा जी। फिर क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं, कार्रवाई जो हुई उससे संतुष्ट हैं, और जो है हमारी प्रशासन मदद कर रहा है जी। जैसा कि आप लोगों ने जो मुकदमा दर्ज करवाया था, और कुछ लोगों ने ये कहा है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और प्रशासन आपके समक्ष, मतलब आपकी कार्रवाई नहीं पूरी कर रहा है, ये सब हो रहा है, कार्रवाई मदद कर रहा है। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि हमारे साथ शुक्ला जी उपस्थित हैं। शुक्ला जी का कहना है कि प्रशासन से हम जिस प्रकार कार्रवाई की मांग किए हैं, हमारी कार्रवाई जिस जैसी हमें चाहिए थी वैसी ही कार्रवाई हो रही है। और 18 तारीख सुबह का मैटर है, बड़के और प्रमोद शुक्ला इनकी पुरानी रंजिश चली आ रही है। बड़के कहीं पूजा करने के लिए गांव के पश्चिम जा रहा था 6:30 बजे करीब, वो उधर से पूजा करके लौट रहा था। वहाँ कुछ लोग बैठे थे, प्रमोद शिवकुमार यही तीनों भाई, कुछ और भी इनके साथी रहे होंगे, तो इन्होंने कुछ उससे कहा। वहाँ पर इनकी कुछ कहा सुनी हुई, कहा सुनी होने के बाद में ये दोनों लोग अपने दौड़ दौड़ के घर पर आ गए। घर पर आने के बाद प्रमोद शुक्ला का पूरा परिवार अपने छत पर चढ़ के ईंटा पत्थर चलाने लगा, उधर से जवाब में बोमी चलाने लगे। जब आवाज़ हुई गांव में, शोरगुल हुआ, तो लोग दौड़ के पहुँचे। दौड़ के लोग पहुँचे तो प्रमोद शुक्ला उनके ऊपर भी ईंटा पत्थर चलाने लगे। तब हमने हटके वहाँ से, इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया, तुरंत फोर्स आया, PRB आई 2-3 गाड़ी, तब ये मामला शांत हुआ। दोनों पक्ष FIR के लिए चले गए, सामने टैक्सी कराई, और उसके बाद में कुछ एक हमारे बरनई के हैं धर्मेंद्र द्विवेदी, थोड़ा कई धाराओं में उन पर मुकदमा पंजीकृत है, वो बरनई से आए 3-4 साथी लेके अपने, उन्होंने गांव में आके माँ को फिर दोबारा तूल दिया आके उन्होंने। उसके बाद में सब ये ठाकुर ब्राह्मण बाद उन्होंने ही ये सब फेसबुक पे डाउनलोड किया, फैलाया, उन्होंने ये पूरा विवाद तैयार किया। यहाँ कोई ठाकुर बाद नहीं है, ना कोई ब्राह्मणवाद है, हम लोग क्षत्रिय समाज से हैं, ब्राह्मण हमारा पूजनीय है, हम लोग हमेशा क्षत्रिय का ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं, ब्राह्मण हमारे साथ में है, इसी गांव के ब्राह्मण हमारे का भारी मात्रा में हमारे साथ में है, और कोई हमारे यहाँ ब्राह्मणवाद कोई बात नहीं है। ये 2-4 लोगों ने इन्हें इस मैटर को बढ़ा दिया है जातिवाद का, देखिए अब आज कल राजनीतिक पार्टियों से सपा वो भी इसमें राजनीति करने लगी है, अब उसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। इतना बड़ा कोई इशू था नहीं, लेकिन बना दिया राजनीतिक पार्टी, और ये छोटा सा विवाद था, आपसी 10 साल से चला आ रहा है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप प्रधान हैं, आपने खुद से भी इन्वेस्टिगेशन कराई होगी, तमाम बातें सुनी सुनाई भी होंगी, इनसे सुना उनसे सुना, आपने जो जानकारी की विवेचना करी, आपको क्या लगा कि लब्बो लो आप क्या है, निचोड़ क्या है? क्योंकि आपकी बातों से एक अच्छी सी बात लगती है, निचोड़ क्या है, गलती दोनों पक्षों से रही या क्या रही? गलती ईंटा पत्थर तो दोनों तरफ से चले, तो ईंटा पत्थर दोनों तरफ से चले, दोनों तरफ से FIR हुई, तो गलती दोनों लोगों की है ही, दोनों तरफ से ईंटा पत्थर चले, लेकिन अब इसको जाति बात का नाम देकर जो बढ़ाया जा रहा है ये सब गलत है।